सिंगल यूज प्लास्टिक के एकत्रीकरण और लगाए गए प्रतिबंध को प्रभावी तरीके से लागू कराए जाने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये जागरूकता अभियान डलमऊ कस्बे के आदर्श नगर मोहल्ले में स्थित शांति मनोहर इंटर कॉलेज के सभागार में अधिशासी अधिकारी आरती श्रीवास्तव की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं के साथ साथ शिक्षकों को सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं उनके बारे में जागरूक किया गया। वहीं लोगों को बताया गया कि देश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगने जा रहा है। सरकार ने अभी सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 आइटम पर बैन लगा दिया है। इस मौके पर लिपिक सोहराब अली, प्रबंधक संदीप चौधरी, सुनील दत्त द्विवेदी, सुशील गुप्ता, सतीश जायसवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। रायबरेली के डलमऊ से रविंद्र पाल की रिपोर्ट।